हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के ह्यूमन ब्लड के बारे में आपको कंपटीशन की दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, वॉच करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस करें। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अगर आपके पास पूछे कोई कि ह्यूमन ब्लड, तो आप बोल देंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। फ्लूइड तरल कनेक्टिव संयोजित टिश्यू ऊतक, जो आपस में कनेक्टिव कनेक्ट करता है, फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो बहे, तरल फ्लूइड, तरल संयोजित ऊतक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, राइट। अब कनेक्टिव तो कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज भी है, बोन्स भी हैं, इसीलिए हमने यहाँ फ्लूइड यूज किया। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं ब्लड, ठीक। वयस्क मनुष्य में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अब महिला में, अब वयस्क महिला जो है, इसमें वयस्क महिला में पुरुष की तुलना में 0.5 लीटर मतलब आधा लीटर कम होता ब्लड, ठीक है। अब जैसे कि मनुष्य में मैंने बताया 5 से 6 लीटर होता है, तो एडल्ट लेडी में जो है पुरुष की तुलना में जो ब्लड है वो 0.5 लीटर आधा लीटर कम होता है, राइट। अब ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। कहीं कहीं देखने को मिलता है बुक्स में कि ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है, कहीं कहीं 7 से 10% भी होता है और कहीं कहीं 10% भी होता है, लेकिन जो मैंने देखा ज्यादा तो ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू, पीएच मान की बात करते हैं हम, क्योंकि जैसे कि मिल्क का होता है और भी वाटर का होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ऐसे ही हमारा ब्लड का भी पीएच होता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका फुल नेम हो गया पीएच का। तो अब ब्लड का पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होती है ब्लड की, वो 7.4 होती है। अब प्लाज्मा जो है, अब हमारे ह्यूमन ब्लड में को हम ये डिवाइड किया, हमने टेबल बनाया है, देखिए प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड सेल्स। तो एक हमारे आकाश में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स रक्त कणिकाएं। अब ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 45% होती हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप याद कर लेना कि प्लाज्मा में, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ये कहीं कहीं 55% दे रखा होता है, कहीं कहीं 55 से 60% दे रखा होता है और कहीं 60% दे रखा होता है ओनली। और अब आपको 55% तो आपको मैंने राइट कर दिया है और आपको 60% है, और जो है वो मतलब देखकर जैसा भी आपका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछता है तो आप उसे बिल्कुल इस तरीके जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से बता देंगे। और ब्लड सेल्स मतलब 45%, अगर ये 60% होता तो 40% हो जाता ब्लड सेल्स, ठीक, राइट। अब जो प्लाज्मा ब्लड में होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता, ये लंग प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता, राइट। अब प्लाज्मा में भी होता है, अब जैसे प्लाज्मा में वाटर है, आपके प्रोटीन है, ग्लूकोज है, साल्ट है। तो प्लाज्मा में वाटर जो है, जल जो है वो 90% होता, प्रोटीन जो है वो आपके एंड ग्लूकोज एंड साल्ट, प्रोटीन ग्लूकोज एंड साल्ट जो है वो 10% होता, राइट। ये आपको टेबल में दिख रहा है, ठीक। अब जो ब्लड सेल्स की हम बात करेंगे, तो ब्लड सेल्स 45% मैंने बोला था। अब इसमें जो है हमारे WBC होती हैं, RBC होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। आज हम आपसे RBC के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और WBC और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम ओनली RBC के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए, ये जो RBC है, इसका सबसे पहले फुल नेम क्या होता है, RBC है क्या, RBC का फुल नेम, RBC के बारे में पूरी फुल डिटेल हम आपको बताएंगे। RBC रेड ब्लड सेल्स, या कहीं कहीं ये भी देता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, राइट। अब इसके साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम की बात आती है, कि RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है या RBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है। क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, लेकिन आपको आंसर देना है क्या, इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स। इसकी स्पेलिंग चेक कर ले, हिंदी में भी इराइथ्रोसाइट दे सकता है इस तरीके से, ठीक, राइट।
अब हमारे बात करते हैं इसके लाइफ स्पान की, जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल की अगर बात करते हैं तो 120 डेज, आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 डेज होता है, 120 दिन ओनली, राइट। अब हम आरबीसी जो है आपके रेड ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स जो है, लाल रक्त कणिकाएं जो है, इसकी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है, पता लगाना है कि ब्लड मनुष्य के ब्लड में जो आरबीसी की संख्या है वो कितनी है, तो हम किस तरीके से लगाएंगे, हमारे पास जो है हीमोसाइटोमीटर होगा, हम उसी से हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि आरबीसी की संख्या ज्ञात करने किस तरीके से होगा, तो आपको हीमोसाइटोमीटर ऑप्शन दिया होगा, आप उसी पर टिक करना, राइट। अब हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो है, निर्माण जो है, डेवलप जो है, ये कहां होती है, ये बोन मैरो में होती है, राइट, बोन मैरो में, बोन मैरो अस्थि मज्जा, क्वेश्चन में आपको बोन मैरो भी दे देगा, अस्थि मज्जा भी दे देगा, आपको अस्थि मज्जा दे दे उस पर राइट करना, बोन मैरो दे दे उस पर राइट करना, राइट, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। और आप बिल्कुल, अब फॉर्मेशन की मैंने बात कर दी, अब हम इसकी डेथ की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, इसका अंत कहां होता, लीवर एंड स्प्लीन, यकृत एंड पलीहा, इसका डेथ जो मृत्यु जो है वो लीवर एंड स्प्लीन, यकृत एंड पलीहा में होता है, ठीक। अब आरबीसी में अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक की बात करते हैं, तो आरबीसी में न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता, लेकिन एक्सेप्शन अपवाद है ऊंट और लामा की आरबीसी में, तो ये याद करना है, इस पर जरा थोड़ा फोकस दें आप स्टूडेंट्स, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, बट एक्सेप्शन है ऊंट लामा, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, राइट। अब आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड, आपको किसी भी तरीके से देता है, कब्रिस्तान भी दे सकता, आपको ग्रेवयार्ड भी दे सकता है, कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, या आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, या आरबीसी का ग्रेवयार्ड, तो आपको क्या करना, स्प्लीन, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन है, पलीहा, स्प्लीन को हिंदी में पलीहा बोलते हैं, राइट, तो स्प्लीन पलीहा होता है, राइट। अब हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी, हीमोग्लोबिन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता, और ये अब ब्लड का जो कलर है वो रेड होता, ब्लड का जो कलर है वो रेड होता, और हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाया जाता, राइट। अब हमने थोड़ा सा ये बनाया है हीमोग्लोबिन, जो ये हीमोग्लोबिन है, हेम गोड़ा है और ग्लोबिन इसमें प्रोटीन है, राइट। अब स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको आरबीसी के बारे में बताया, अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में डब्ल्यूबीसी के बारे में बताऊंगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके कंपटीशन में आएंगे, फिर मैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा, फिर हमारा जो है ह्यूमन ब्लड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वॉच करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को, एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।